गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब अपडेट आ रही है, जो कि आ रही है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ रही है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप डिप्लोमा है, बीई बीटेक हैं, सिविल इंजीनियरिंग से हैं, फ्रेशर्स हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। S1 सुपरवाइज़र के लेवल पे वैकेंसी ये आ रही है। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज़ शाम के 5 बजे आपके लिए नई नई लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लाते हैं हमारे चैनल पे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको अपने आप उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है ओम कृति डिज़ाइनर्स की तरफ से। अगर आपको ऑटोकैड सीखना है तो आप सीख सकते हो। ये एक ISO 9001:2001 सर्टिफाइड कंपनी है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्किल इंडिया के अंतर्गत ये आती है। अगर आप इनसे ऑटोकैड सीखते हो तो यहाँ पे आपको फुल टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। आपको सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं सिविल और मैकेनिकल रिलेटेड वो मिल जाएगा, उसके क्रैक मिल जाएंगे, हेल्प भी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक वैलिड ऑथेंटिकेट ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। तो 2 सर्टिफिकेट इनके यहाँ से मिल जाएंगे। तो एक ये बहुत अच्छी अपडेट आ रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की जो मेन इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो मेन नोटिफिकेशन आ रही है। तो अभी हम मौजूद हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे। ये एक सेंट्रल PSU है, एक मिनी रतन PSU है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम के अंडर आती है। बेसिकली इनके यहाँ सारा प्रिंटिंग का काम होता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये स्टैम्प पेपर्स और जितने भी जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके यहाँ प्रिंटिंग, उसका सारा प्रिंट का काम इनके यहाँ होता है। यहाँ से दोस्तों एक बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, ये आप देख सकते हो। ये एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02ADMN 2020। अगर हम दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 4/10/2020 है, यानी कि अगले महीने की 4 तारीख इसकी लास्ट डेट है। स्टार्टिंग डेट इसकी हो चुकी है 5/9 है। अगर हम इसकी पेमेंट फीस की बात कर लें तो ये 5/9/2020 से 4/10/2020 तक आप इसका फीस पेमेंट कर सकते हो। ये एग्ज़ाम होगा, इसमें अगर आपकी एग्जामिनेशन की हम बात कर लें तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम नवंबर 2020 में हो जाएगा, जो भी आपका सेंटर पड़ेगा उसमें। अब अगर हम यहाँ एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपने बीटेक किया है या फिर सिर्फ बीटेक किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन की वैकेंसी आ रही है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग में S1 लेवल पर आप देख सकते हो। सैलरी की बात करें तो 26,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपको सैलरी मिलेगी IDA स्केल पे। अगर मैं लमसम सैलरी की बात करूँ तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स 44 से 45,000 बैठेगी। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट 30 ईयर्स है। आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो सिविल के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं पे अगर हम और बात करें तो मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है। मैकेनिकल को बीटेक के साथ कैड और ऑटो कैड और कैम भी आना चाहिए। वैसे यहाँ और वैकेंसी है और मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसी है। उसके लिए भी सबके लिए सेम क्राइटेरिया है, हालांकि पोस्टें अलग अलग हैं, पोस्टें आप दे सकते हो, लेकिन जो हमारी मेन प्रेफरेंस रहती है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही रहती है। तो आप देख सकते हो ये पूरी वैकेंसी है। अगर हम यहाँ फॉर्म की फ़ीस की बात कर लें तो आप फॉर्म की फ़ीस देख सकते हो। तो फॉर्म की फ़ीस आपकी 472 है जनरल के लिए सुपरवाइज़र लेवल पे।
अगर आप SC ST हो, अगर आपके पास रिजर्वेशन है, तो आपको फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें, तो आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का, जिसमें से आपके 100 मार्क्स टेक्निकल के होंगे। अगर आप सिविल के हो तो सिविल के होएगा, अगर आप मैकेनिकल हो या किसी और ट्रेड से बिलोंग करते हो तो 100 क्वेश्चन उसके होंगे। बाकी और सब्जेक्ट्स में आपका लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स और एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, मिला के 200 मार्क्स में से आपका सिलेक्शन होएगा। सेम अदर भी जितने भी ब्रांचेस हैं सबके लिए अपने अकॉर्डिंग है। हालांकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका जो एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम नवंबर में होना है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरी ओपिनियन क्या है इस वैकेंसी के बारे में। तो देखो, वैकेंसी इसमें कम है, नो डाउट इसमें वैकेंसी कम है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों की अच्छी तैयारी है, अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छी तैयारी, क्योंकि देखो अगर एग्ज़ाम एग्ज़ाम की बात कर लें तो डिप्लोमा भी एलिजिबल है, तो ये साफ बात है कि पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं जाएगा, डिप्लोमा के ही लेवल पे आएगा। लेकिन हाँ, डिप्लोमा के लेवल पे भी अच्छे लेवल का इनके यहाँ पेपर आएगा। पोस्ट बहुत अच्छी है, आप काफ़ी अच्छी PSU में काम करोगे, आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। अगर आप मुंबई के आसपास रहते हो, इसकी जॉब लोकेशन मुंबई होने वाली है, अगर आप मुंबई के आसपास रहते हो या फिर साउथ इंडिया के आसपास रहते हो, या अगर आपको आपकी तैयारी है या फिर जो उसके एग्ज़ाम सेंटर्स मिलेंगे, आप अगर उसके आसपास रहते हो, जैसे कि दिल्ली में एक एग्ज़ाम सेंटर होगा, बाकी और भी बड़े बड़े शहरों में इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा, तो अगर आप उसके आसपास रहते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है, आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी और प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।